इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 संविधान निर्माण भाग 4, जिसमें हम भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों के बारे में जानेंगे। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में मतलब अध्याय 2 में अभी हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के पीछे का दर्शन क्या था, संविधान क्यों बनाया गया, इसके पीछे का कारण क्या था। यह हम दो तरीकों से जान सकते हैं। कैसे कैसे? अपने नेताओं के संविधान संबंधित विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बाद में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान पढ़ना चाहिए, ऐसा बात नहीं कि संविधान नहीं पढ़ना चाहिए, अपने सिलेबस से हटकर संविधान को पढ़ना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है, संविधान का जो प्रस्तावना है यहीं पर काम करती है जब हम उसको जानते हैं। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। सपने और वादे। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। महात्मा गांधी का नाम संविधान के निर्माण में नहीं था। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, मतलब उनके विचारों के समर्थक थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था, जो मैंने आपको नीचे यहाँ पर बताया पिछले पार्ट में, लेकिन फिर बताता हूँ। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्ति दिलाए, मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदायों के लोग पूरे मेलजोल से रहें, ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह न हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, मैं इसे कम में संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये गांधी जी का कहना था। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था कि भेदभाव को हटाना चाहिए। जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आम असमानता कैसे दूर की जा सकती है, मतलब बराबरी जो असमानता, यहाँ पर एक समूह को अलग मानते थे, एक समूह को अलग मानते थे, किसी को सम्मान नहीं मानते थे, जैसे मैं ऊंचे जाति वाले छोटे जाति वालों को नहीं मानते थे ज्यादा, तो असमानता कैसे दूर की जाए। खुद अंबेडकर जी स्कूल के कक्षा के बाहर बैठ के पढ़े हैं, कक्षा में तो उनको बैठने भी नहीं दिया जाता था, अगर वो बैठ गए तो सारे बच्चे कक्षा से निकल जाते थे कि है डोम चमार बैठ जाएगा तो हम वहां पर काय के पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे। इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। गांधी के नजरिया जो भी था उसका कटु आलोचना करते थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतरिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी तो दिल्ली का राजपथ इलाका जो मेन इलाका था, समझ लो कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना भीड़ वहां पर उमड़ आया था। देश भर के लोग इसलिए गए थे कि उनका अंतिम यात्रा देख सके। ये पढ़ सकते हो आप। पहले मैं इन लोगों के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं इन लोगों के बारे में बता देता हूं। पहले देखो, भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। रामजी उनके पिताजी का नाम था। 1991 में जन्मे और 1956 में उनकी मृत्यु। जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्ररूप कमेटी का अध्यक्ष, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी भी थे।
बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने। कांग्रेस के तरफ से कानून मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी फॉर इंडिया के संस्थापक भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और है नहीं, क्योंकि अभी उनकी मृत्यु हो गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका पूरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्यार से बच्चा इनको एक नाम इनका था, मैं जरा भूल गया हूँ। 1889 में जन्मे, 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म 10 साल, पूरे 10 साल इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था भारत के। जन्म उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेसी नेता, समाजवाद लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उसके बाद सोमनाथ लाहिरी, इनका भी बहुत गहरा रोल था अपने आजादी में। 1901 में जन्म, 1984 में मृत्यु। जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल के रहने वाले भी थे। लेखक और संपादक मतलब पत्रकार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय समाजवादी पार्टी के ये नेता थे। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य ये बने। अब चलो इनके भाषण के बारे में बताते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर पूरे तरीके से बात विवाद किया जा सकता है, किसी भी चीज का आंदोलन किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन ही अपना संविधान लागू हुआ था। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का सामान्य महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जरूरी जारी रखेंगे। एक वोट एक सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे, ये सवाल भी इसमें है। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक सामान्य और नकारते रहेंगे, कब तक उसमें समानता और नकारते रहेंगे, किसको? अपने आर्थिक जीवन को। अगर यह नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ये भाषण है, और भाषण ऐसे ही दिया जाता है थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर, जैसे में राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। आखिर में आइए 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिया जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण है। कब दिए थे? 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को, 12 बजे करीब में। अब पढ़ते हैं इसको। वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था, और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें। पूरी तरह या हर तरह से नहीं, तो काफी हद तक तो कर ही सकते हैं। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, मतलब मध्य रात्रि भी नहीं हुआ था, जब बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होता है, और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रफुल्लित होती है, आवाज पाती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा
उससे सभी अधिक मान्यता की सेवा में समर्पित करते हैं। यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती है। भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है आजादी के जन्म से पहले हमने पूरी प्रसर्व पीड़ा झेली है। प्रसर्व पीड़ा बोलते हैं डिलीवरी के समय जो औरतें झेलती हैं, और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इसमें कुछ दर्द भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। भारतीय संविधान का दर्शन जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस काम में जांच परख किए गए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने थे। जितने लोग थे वही लोग भारतीय लोकतंत्र का आधार बन गए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ही हर चीज किया गया था, चाहे संविधान लिखना हो गया, कानून बनाना हो गया, व्यवस्था लागू करना हो गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं उन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों को एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, मतलब एक छोटा सा उद्देश्य है, उसी के अनुसार भारत को क्या बोलते हैं, भारत की बुनियाद आगे बढ़ती है। इसे संविधान के प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। किसी भी चीज के बुनियादी मूल्य को ही उसके संविधान का प्रस्तावना और उद्देश्य कहते हैं। तो हमारा बुनियाद क्या था? हमें अपना संविधान लिखना था, हमें देश को आजाद कराना था, हमें देश को लोकतंत्र के माध्यम से ले चलना था। अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। शुरुआत का प्रस्तावना तो भारतीय संविधान का भी प्रस्तावना था, जिसके बारे में हम पिछले वाले भाग में ऊपर बताया गया है, लेकिन वो छोड़ो। आप भारतीय हिंद मैं खुद पढ़ के बता दूं क्या, जस्ट वन मिनट मैं बताता हूं। यहां से आप भारतीय प्रस्तावना देख सकते हैं, भारतीय संविधान। आगे देखो, भारत को संविधान की जरूरत क्यों, भारतीय संविधान का क्या उद्देश्य है, यही है प्रस्तावना, मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार विभक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकदत द्वारा एकजुट होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। जिसमें उसके बाद से भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताया गया है, जो आप अगले, इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं जाकर, क्योंकि प्रस्तावना खत्म हो गया यहाँ पर। चलो आगे ये देख ले, संयुक्त राज्य के हम सभी लोग। संयुक्त राज्य क्या आ जाएगा, संयुक्त राज्य में आ जाएगा पूरे राज्य, आमतौर से उत्तर प्रदेश को ही बोलते थे। अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी स्मृति में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका को भी बोलते हैं, अमेरिका को ही बोलते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोलते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, ये लोग क्या बोलते हैं, अपने इतिहास में हुए न्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर
आजादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सम्मान करते हैं, उन सबका सम्मान करते हैं, उन सबको सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधताओं से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से अपने गणराज्य अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानूनों के तौर तरीकों पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिसके पहले हम विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक, विभाजन मतलब दो तरफ से बटा उसको खत्म किया जाए, और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय, मौलिक मानव अधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके, एक ऐसे लोकतंत्र और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से सम्मान संरक्षण मिले एक जैसा, सभी नागरिकों को जीने की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रियों के समूहों में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे, ये उन लोगों का कहना था। आइए हम अपने संविधान के प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और इसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्दों के मतलब समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता से लगती है, जैसे जिसमें वह दर्शन शामिल है। हम एक कविता बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं, आप देख सकते हैं उसी संविधान वाले प्लेलिस्ट में दूसरे नंबर पे एक कविता होगा शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और प्रशिक्षण का मानक तय करता है। कौन? हमारा संविधान, कोई भी देश का संविधान। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, क्योंकि संविधान में तो भारतीय संविधान की आत्मा बसता ही है, कि क्या सही है क्या गलत है सब जानने के लिए ना। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का प्रस्तावना, यही उद्देश्य हम पढ़कर आपको सुना रहे थे, जो अगले भाग में भी हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। ये सब जितना भी लिखा हुआ है इसको पढ़ का मतलब समझाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं पार्ट 5 में, भाग 5 में। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो, नहीं समझ में आया, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, केवल मैसेज, और कमेंट भी कर सकते हैं। आपको विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, और जरूरत हो तो आपको व्हाट्सएप कॉल भी कर लिया जाएगा। आप कॉल उठाओ, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।